हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और कैसा जा रहा है आप लोग का? इतनी ठंड, और यहाँ पे देखो 3:30 बज रहे हैं, और ये देखो कितना अभी भी पूरा कुहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं वीडियो शूट करने के लिए छत पे आई थी, पर मेरा जो हाथ है ना वो काम ही नहीं कर रहा है, और मैं अच्छे से डांस भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अच्छे से बन नहीं पाते तो फिर डालने में मेरे को बेकार लगता है। एक दो बनाई फिर भी उसमें हाथ पैर कुछ काम ही नहीं कर रहा था, तो मैं नहीं बना पा रही हूँ अच्छे से वीडियो। और मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं। तो गाइज़, मैं भी छत पे आई वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझसे वीडियो बन नहीं पा रहा है, इतनी ज़्यादा मेरे को ठंड लग रही है ना, पूरा देखो कितना ठंड है। और मैं छत पे आई तो मैं आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ कुछ दिल की बातें। एक्चुअली मैं इतना वीडियो बनाती हूँ पर इतना गंदा व्यूज़ आ रहा है ना, इतना गंदा व्यूज़ आ रहा है मेरे को, फिर ना क्या होता ना, वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता। मुझे लगता शायद मेरा वीडियो अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, तो इसीलिए मैं सोची चलो क्यों नहीं धीरे 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 ही बनाया जाए, एक ना एक दिन हमारा टाइम भी आएगा। तो इसीलिए मतलब क्या होता है ना, मैं अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती हूँ कुछ डांस वगैरह, और प्रॉपर तरीके से मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मैं भी जानती हूँ, इसीलिए मुझे आप लोग से कोई गिला शिकवा नहीं है। और मैं कोशिश करती हूँ खुद से अच्छे से वीडियोस करने के लिए, और मैं तो बस कॉमेडी वीडियो ही ज़्यादा बनाती हूँ, डांस तो बहुत कम ही बनाती हूँ। डांस बनाने का मतलब है तुम प्रॉपर तरीके से अच्छे से डांस करो, तभी ये वीडियो आपका वायरल होगा। और मुझे अब मुझे लगता है कि मुझे अच्छा फ़ोन एक ख़रीदना होगा, तभी मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए एक फ़ोन ख़रीदने के लिए बोल रही हूँ, तो कुछ महीने या फिर कुछ दिन में मैं फ़ोन भी ख़रीद लूँगी। और इतनी ज़्यादा ठंड है, जब मैं सुबह उठी ना तो किचन में तो बिल्कुल जाने का मन नहीं होता है किसी को, इतनी ठंड में कुछ खाने का तो बहुत मन होता है पर बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता। और सुबह जब मैं उठी ना तो पहले यही सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा सब पहले चूड़ा खा लिया जाए, चूड़ा दूध तिलकुट, क्योंकि इतना ठंडे में मेरे को किचन में जाना नहीं है। तो फिर फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का, नहीं आज खाना मत बनाना, मटन बन रहा है, तो आज यहाँ पे मटन पार्टी भी हो रहा है, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी कैसे लोग यहाँ मटन बना रहे हैं। तो गाइज़ प्लीज़, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं अपने लेवल तक जा सकती हूँ, वरना फिर मैं यहीं की यहीं रह जाऊँगी। और कोशिश कर रही हूँ कुछ अच्छा वीडियो आप लोग के सामने रखने को, पेश करने को, लेकिन वो मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं खुद एग्री हूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा कैमरा अच्छा चाहिए और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट करने वाला हमारा भी कोई नहीं, क्योंकि हस्बैंड तो अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो मैं एक मेरी फ्रेंड है, वो आप लोग देखते ही कॉमेडी बनाते हैं, तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड है, मेरा हाथ पैर मुँह सब काम करना बंद कर दिया है। तो गाइज़ आप लोग को मैं दिखाती हूँ, मेरी बात बाद में, आप लोग को मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मटन लोग कैसे बना रहे हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। 45 रुपये में खरीद लिया तो 15 में सेल किए थे, और उसके बाद स्मेल आ रहा था, लग रहा था बन गया है, स्मेल आ रहा था, लग रहा है बन गया है, 15 पैक करना लीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए सुधर नहीं रहे, मतलब लीक हो रहा, मतलब 30 रुपया प्रॉफिट हुआ है पर शेयर, मतलब आपको 30 15 दिया 45 तो 50 रुपये का प्रॉफिट। तो मैं फाइनली अपने रूम आ गई गाइस, क्योंकि छत पे इतने ज़्यादा ठंड था, और मैं वीडियो के बनाने के चक्कर में ना हाफ जैकेट पहन ली थी, तो मैं अब जा रही हूँ फुल स्वेटर पहनने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे गाइस। तो मिलते हैं, बाय बाय।